नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस वारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको ऋषि पंचमी व्रत कथा के बारे में जानकारी दूंगा। ऋषि पंचमी व्रत के बारे में जानकारी दूंगा। यह व्रत बहुत ही शुभ होता है और स्त्री पुरुष सभी इस व्रत को रख सकते हैं। यह व्रत सभी पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत के करने से जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश होता है। घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की प्राप्ति होती है, हर प्रकार का सुख और वैभव घर में होता है। ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। ऋषि पंचमी व्रत में माता अरुंधति और सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। एक पाटे पर लाल वस्त्र बिछा करके सप्त ऋषि की मूर्ति बना करके वहां पे स्थापित करें, अरुंधति माता की मूर्ति स्थापित करें, पूरे विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य रोली मोली चावल लौंग इलायची फल फूलमाला पान के पत्ते कुकुम रोली हर तरह से जो है पदार्थों से उनकी पूजा की जाती है। इसमें पूरे दिन व्रत रखा जाता है और एक समय भोजन करते हैं। इसमें अन्न नहीं खाते, जैसे एकादशी में व्रत रखा जाता है उसी प्रकार से इसका व्रत रखा जाता है। यह व्रत बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस व्रत के करने से रजस्वल स्त्री के किए गए दोष सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत में नियम पूर्वक और सत्य धारण करके यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में अपामार्ग यानी ओंगा की 108 धांतन की जाती हैं। ओम मुख दुर्गंध नाश आए ऐसा बोल करके और दांतुन करते जाए, इस मंत्र को बोलते जाए। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, अब मैं आपको कथा सुना रहा हूं, इसकी कथा को पूरा सुने, बहुत ही अच्छी कथा है। कथा को पूरा सुनने से पूर्व पुण्य की प्राप्ति मिलती है। जैसे व्रत रखते हैं पूरा पुण्य मिलता है, उसी प्रकार से कथा सुनने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति मिलती है। सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, हर पाप नष्ट हो जाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने हमें अनेकों व्रत तप दान आदि बताए, अब कृपा करके भाद्रपद मास की कोई उत्तम व्रत बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पवित्र है। सभी पापों का नाश करने वाला, ब्रह्म हत्याओं को दूर करने वाला, मैं एक व्रत तुम्हें बताता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूं, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होती है और जब तक पृथ्वी पर रहती है उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। हे नपोत्तम, पूर्व समय में व्रतासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था, यानी व्रतासुर जो था वो ब्राह्मण था और इंद्र ने उसकी हत्या की थी, जिस कारण से उसको ब्रह्म हत्या लग गई थी और ब्रह्म हत्या ब्रह्मा जी ने चार स्थानों पर बांटी थी। ये ध्यान देने की बात है कि जब इंद्र को ब्रह्म हत्या लगी थी तो वो चार जगह बांटी थी। कौन कौन सी वो चार जगह? पहला अग्नि की ज्वाला में, जो अग्नि की ज्वाला जलती है पहला भाग उसमें बांटा गया। दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने में जो भी पाप हो जाते हैं ऋषि पंचमी के व्रत करने से वह दूर हो जाते हैं। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी के व्रत का मैं प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में श्योनजित नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे, उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों का उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री जयश्री पतिव्रता थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्य खेती के कार्यों में लगी थी उस समय वह रसवला हो गई। हे राजन, उसे अपने रसवला होने का भान था, फिर भी वह घर के सभी कार्यों को करती रही। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी
और सुमित्र को रसवाला स्त्री के संपर्क रहने कारण बैल की योनि प्राप्त हुई, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई दोष नहीं था। इस कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। दोनों कुतिया और बैल की योनि में प्राप्त हुए और अपने पुत्र सुमित के यहाँ पर ही रहने लगे। सुमित बड़ा धर्मात्मा था, सभी ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। एक समय उसने अपने पिता की तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन करने के लिए प्रसाद बनाया। घर में अनेकों प्रकार के व्यंजन बन रहे थे। सुमित किसी कार्य से बाहर गया हुआ था, तभी किसी सर्प ने आकर के जो भगोने में खीर बन रही थी उस खीर में अपना मुख डाल दिया और इसका जो विष था सर्प का वह खीर में डल गया। इस कारण वह जो खीर का प्रसाद था वो विषाक्त हो गया। जो सुमित की माँ थी कुतिया के रूप में वह ये सब देख रही थी और उसने सोचा कि अगर इसको इस खीर को ब्राह्मण लोग खाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी और मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। ऐसा उसने विचार करके और अपना मुख उस खीर के पात्र में डाल दिया। सुमित की जो पत्नी थी वह यह सब देख रही थी। उसने जलती हुई लकड़ी ली और कुतिया को जोर से मार दी। वह प्रतिदिन जो खाने के बाद में झूठन बचती थी कुतिया को डाला करती थी, उसने वह झूठन डालना भी बंद कर दिया। अब वह लकड़ी बड़ी तेज लगी क्योंकि जलती हुई लकड़ी थी। वह रोती हुई और बैल के पास गई जो उसका पूर्व पति था। उसने जाकर कहा, हे नाथ, आज देखिए मेरा पुत्र जो है आपके और हमारे श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों का भोजन बना रहा है। उस भोजन के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया था। मैंने ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उसको झूठा कर दिया। उसकी पत्नी मेरी बहू ने मुझे इतने जोर से मारा मेरी कमर तोड़ दी। सुमित का जो बाप था बैल की योनि था वह भी बोला कि तुम्हारे ही कर्मों के कारण मैं बैल योनि में प्राप्त हुआ हूं। आज पूरे दिन मैंने खेती में काम किया, ऊपर से मेरे पुत्र ने खाने को भी कुछ नहीं दिया। ये सारी बातें सुमित सुन रहा था। तभी उसको जो है बड़ा दुख हुआ। उसने भरपेट दोनों को भोजन कराया और वह उसी समय जंगल में चला गया। जंगल में जाकर सर्प तप नामक ऋषि थे, उनके पास गया। उसने ऋषि को प्रणाम किया और अपने पिता के सारे दुख उनको बताई। ऋषि ने नेत्र बंद किए और सुमित को उसके पिता का जो पूर्व जन्म का दोष था, उसकी माता का जो दोष था, कैसे उन्होंने रसोला होते हुए बर्तनों को स्पर्श किया, वह सारा बताया। पर इस दोष के कारण तुम्हारे पिता को यह योनि प्राप्त हुई है। अगर आप तुम ऋषि पंचमी का व्रत रखें और उसका फल अपने पिता को देते हैं तो तुम्हारे पिता की मुक्ति जरूर हो जाएगी। सुमित ने आकर के पति पत्नी ने दोनों ने ऋषि पंचमी का व्रत किया और उस व्रत का जो फल था वह अपने पिता को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से उसके पिता और माता दोनों की मुक्ति हो गई और वह आशीर्वाद देते हुए पितृ लोक को चले गए, वैकुंठ लोक को चले गए। हे राजन, जो लोग इस ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं उनकी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी होती हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को, स्त्री पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। तो इस व्रत के करने से हर पाप हर दुख दूर हो जाते हैं। ऋषि पंचमी की कई कथा थी, इसमें से एक कथा मैंने आपको सुना दी। जय श्री कृष्ण।